बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे कलेजी। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि कलेजी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने ली है कलेजी, आधा किलो, 2 अदद टमाटर, 2 सब्ज मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून जीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो आइए वीवर स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, बाउल में सबसे पहले डालेंगे कलेजी। जी वीवर्स, उसके साथ उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया कुटा हुआ, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी वीवर्स, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जी वीवर्स, जितनी देर में कलेजी मैरिनेट हो रही है, हम टमाटर कट कर लेते हैं। इस तरह से करके बाकी सारे भी कट कर लेंगे। जी वीवर्स, ये सारे हमने कट कर लिए हैं। जी वीवर्स, अब सब्ज मिर्च को भी कट कर लेंगे। जी वीवर्स, तवे सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से टमाटर, हम इसमें डालेंगे कलेजी, कलेजी डाल के अब हम बाकी टमाटर भी इसके ऊपर डाल देंगे। तरह से अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इस तरह से ढक के पका लेंगे। जी वीवर्स, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, साथ इसमें डालेंगे नमक हसवे जायका। अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी वीवर्स, 2 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। 2 से 3 मिनट हम इसे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी वीवर्स, कलेजी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।